दोस्तों ये आधार कार्ड की ये तीसरी वीडियो है, दो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने बताया था पहली वीडियो में कि नाम में अगर कोई करेक्शन है वो कैसे होगा, दूसरी वीडियो में आपके डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है वो कैसे होगा। दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके एड्रेस में कोई करेक्शन है तो वो कैसे होगा, प्रूफ हो या ना हो। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ, आपको बताता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि कैसे करेक्शन होगा। लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। दोस्तों ये UIDAI की लिस्ट है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन है, जैसे नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में करेक्शन है, तो ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं नाम में करेक्शन में, डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन में, एड्रेस के करेक्शन में। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि एड्रेस का करेक्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस केस में भी क्या होगा। 45 तरह के डॉक्यूमेंट UIDAI ने बताया है कि एड्रेस के करेक्शन में 45 तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है आपके पास, 45 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आपका आधार कार्ड में एड्रेस इजीली करेक्शन हो जाएगा, जैसे कि पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, गैस की बिल, फ्रीडम फाइटर कार्ड, पेंशनर कार्ड, आम लाइसेंस, किसान पासबुक, CGHS कार्ड, इसी तरह से 45 डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आपका इजीली आधार कार्ड में एड्रेस करेक्शन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पूरा 45 डॉक्यूमेंट नहीं रीड किया है, मैंने लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सपोज कीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, कोई भी प्रूफ नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपको आधार सेंटर जाना है और उनसे कहना है कि सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट का फॉर्म दे दीजिए। उस फॉर्म को लेके आपको फिलअप करना है और अटेस्ट करवाना है। किससे अटेस्ट कराना है, कैसे फिलअप करना वो बताता हूँ आपको। ये प्रोफॉर्मा मैंने डाउनलोड किया है UIDAI से आपको समझाने के लिए। आप देख सकते हैं कि ऊपर तीन बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डेट फिलअप करना है, नीचे वाले बॉक्स में रेसिडेंट पे टिक लगाना है, आधार नंबर पे अपने आधार नंबर फिलअप करना है, फुल नेम में नाम, CO में आपको बैक साइड अपना आधार कार्ड देखिए, वहाँ पे सन ऑफ लिखा होगा या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, जो भी नाम उसमें लिखा हुआ यहाँ पे CO में डालना है, CO मतलब केयर ऑफ। नीचे एड्रेस का सारे बॉक्स दिए हुए हैं, जो अब आपको एड्रेस चाहिए, अब जो आपको एड्रेस चाहिए आधार कार्ड में वो फिलअप करना है, ना कि पुराना वाला जो गलत पड़ा हुआ है, जो आपको सही एड्रेस चाहिए यहाँ पे फिलअप करना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, एरिया, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, यहाँ पे सारा एड्रेस फिलअप करना है और डेट ऑफ बर्थ के बॉक्स में अपना जन्मतिथि लिखनी है। इस वाले बॉक्स में आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे जो मोहन दिख रहा है इस वाले बॉक्स में आपको सिग्नेचर करना है, और बगल वाले बॉक्स में आपको पासपोर्ट साइज एक फोटो पेस्ट करनी है, यानी कि चिपकाना है। नीचे आप देखिएगा सर्टिफायर डिटेल टू बी फिल्ड बाय द सर्टिफायर ओनली, आपको इस फॉर्म को अटेस्ट करवाना है। किससे अटेस्ट करवाना है, गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, विलेज पंचायत हेड और मुखिया, यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं तो वहां के विलेज पंचायत के जो हेड हैं, मुखिया हैं, उनसे भी आप साइन करवा सकते हैं, इस फॉर्म को अटेस्ट करवा सकते हैं। गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी, MP, MLA, MLC, म्यूनिसिपल काउंसिलर, तहसीलदार, हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैटरन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड शेल्टर होम, ऑर्फनेज, EPFO ऑफिसर, इनमें से किसी एक से भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं, सबसे नहीं करवाना, किसी एक से आप इस फॉर्म को साइन करवा सकते हैं, अटेस्ट करवा सकते हैं। बगल वाले बॉक्स में जिनसे भी अटेस्ट कराएंगे उनकी साइन होगी और उनका ऑफिस स्टैंप लगेगा। ऊपर देखिए नेम ऑफ द सर्टिफायर लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे ये मनोज तिवारी लिखा है, जिनसे अटेस्ट कराएंगे उनका नाम होगा। डेजिग्नेशन में जहाँ डेप्यूटी डायरेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे वो किस पद पे हैं उनका डेजिग्नेशन होगा। ऑफिस एड्रेस में उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो आपने फोटो पेस्ट की है
यहाँ पे भी उनका साइन होगा और ऑफिस स्टैम्प लगेगा। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद, अटेस्ट कराने के बाद, आपको आधार कार्ड सेंटर जाना होगा, इस फॉर्म को सबमिट करना होगा, वहाँ पे आपकी फ़ोटो खींचेगी, बायोमेट्रिक होगा, फीस पेड होगी, आपका मिनिमम 15 दिन से 20 दिन में आपका आधार कार्ड में एड्रेस करेक्शन हो जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड में फ़ोन नंबर अपडेट है तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है तो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको समझ में आ गया होगा। चौथी वीडियो आपको मिलेगी कि फादर नेम में आपको करेक्शन कैसे करना है, या आपके हस्बैंड नेम में कोई करेक्शन है आधार कार्ड में तो कैसे करना है, प्रूफ हो या ना हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।